प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा रेलवे सुविधा को समाप्त करने का साजिश रच रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वर्षों से भारतीय रेलवे आम जनता का भरोसेमंद, सस्ता और सुलभ परिवहन का पर्याय हुआ करता था, जिसे मोदी राज में रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करके निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। देश की आजादी के बाद ऐसी स्थिति केवल मोदी सरकार में आई है, जहां रेलवे की यात्री सुविधाएं इतनी ज्यादा खस्ताहाल हो गई है। रेलवे सुविधाओं की बहाली के लिए कांग्रेस ने आंदोलन करने का ऐलान किया है। प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता आयोजित की जाएगी, लोगों को बताया जाएगा कि रेलवे को किस प्रकार से बर्बाद करने की, निजीकरण करने की साजिश रची जा रही है। साथ ही 9 सितंबर को भी सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण रेलवे के दफ्तरों में, जिला प्रशासन के दफ्तरों में ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री जी के नाम में मांग करेंगे कि रेलवे की जो सुविधाएं हैं उसको तत्काल बहाल की जाए। साथ ही 10, 11, 12 सितंबर को कांग्रेस पार्टी पापलेट, पोस्टर, अन्य जनजागरण के माध्यमों से जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाएगी और उसके बाद भी यदि केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो 13 सितंबर को कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के समस्त रेल स्टेशनों पर रेल लोग को आंदोलन करेगी। साथ ही क्या परीक्षा के समय पिछले 4 साल में लगातार ट्रेनों को निरस्त किया जाता है, क्या सारा दिन केंद्र इसी समय होता है, क्या कोयले की सारी कमी इसी समय होती है, एक टाइमिंग क्या? दरअसल सारी सची जा रही है कि रेलवे से आम जनता ऊब जाए, लोग रेलवे के विकल्प के रूप में दूसरे साधनों का उपयोग करने लगे और रेलवे को गौतम अडानी को बेचने की जो साजिश है वो अपनाता हो। यही नहीं, रेलवे ने आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने रेलवे का अलग बजट बनाया, रेलवे का बजट हमेशा घाटे में भी रहा करता, उसके बावजूद भी देश की जीवन रेखा है रेलवे, इसलिए समस्त केंद्र सरकारों ने रेलवे को सब्सिडी दिया, रेलवे को पोषित किया, रेलवे सुविधाओं को बढ़ाते रहे, रेलवे में बुजुर्गों के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गई, उनको छूट दिया जाता था, दिव्यांगजनों को छूट दिया जाता था। ऐसे लोग जो कि रेलवे की सुविधा के हकदार हैं, जिन्हें शासन की व्यर्थ स्कीम का फायदा मिलना चाहिए, उनके लिए विशेष रियायतें रेलवे में होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इन सारी रियायतों को बंद कर दिया। कोरोना काल का बहाना किया गया, कोरोना के समय रेलवे के प्लेटफॉर्म में टिकट को बढ़ाया गया, आज कोरोना को 20 वर्ष हो गए, कोरोना के समय भी सारी बंदिशें समाप्त कर दी गई, रेलवे के द्वारा दी जा रही छूट को बंद किया गया, उसे बहाल नहीं किया गया। रेलवे का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, रेलवे का उद्देश्य है देश के लोगों को, देश के हर भाग को एक दूसरे से जोड़ना, देश के लोगों की यात्री सुविधाओं को जिंदा रखना। निश्चित तौर पर इसके लिए यात्री भाड़ा के साथ साथ माल भाड़ा भी परिवहन किया जा रहा है। आप मेंटेनेंस होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं आजादी के बाद रेलवे का भी मेंटेनेंस नहीं हुआ, इसलिए यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया। अरे भैया, 50 गुना ज्यादा क्षमता की माल वहाँ रेलवे से बदल रही हो, उससे 50 गुना की यात्री ट्रेनें गुजरेंगी तो मेंटेनेंस गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही समझदार है, बाकी पूरे देश के लोग। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 5 अपना प्रतिभा रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ की रेल सुविधाएं बाधित हो गई उसको बहाली के लिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद छत्तीसगढ़ के जनता के हक में आवाज नहीं उठा रहा है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जन सरोकारों के इस विषय, आपसे जुड़े हुए इस मसले, हमसे जुड़े हुए इस मसले, आम आदमी से जुड़े हुए इस मसले, आज हर आदमी को अपने व्यक्तिगत निकल करके खोज निकल करके अपने गंतव्य तक नहीं जा सकता, हर आदमी को हवाई जहाज की सुविधा उपभोग में ला सकता है। यात्री रेल ही सबसे बड़ा विकल्प होता है आम आदमी का, मध्यम वर्ग का, गरीब आदमी। इसकी जो बर्बादी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, अडानी को सौंपने की जो साजिश की जा रही है, इसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैद जी ने निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाए। ये तो अडानी की जो चलाई जाने वाली सरकार है, देश की जनता का, भारत के लिए, भारत के लोगों का, भारत के लिए चलाई जाने वाली सरकार नहीं है। अडानी का, अडानी के लिए, अडानी के द्वारा संचालित की जाने वाली मोदी सरकार वर्तमान में।